Hi guys, today I thought मैं आपको अपने बारे में कुछ secrets बताती हूँ. The first one, I'm a foodie. What a secret, no? Clearly वो तो दिखता ही है. But the second new thing about me is I'm totally into fitness and you know going to the gym, exercising, doing all of those gym talks. आजकल मैं वो सब बहुत ज़्यादा कर रही हूँ. But as a foodie ना, that has put me in this dilemma कि मैं क्या करूँ? मैं वो fried, crunchy, चटपटा वो सब कुछ खाऊँ? कि थोड़ा हेल्दी न्यूट्रिशियस अच्छी चीज़ें खाओ. बट देन आई थॉट द हेल्दी थिंग्स कैन ऑल्सो बी रियली यमी एंड डिलिशियस. लाइक जो हम आज बनाने वाले हैं, विच इज़ गोइंग टू बी अ चाइनीज सैलड. नाउ चाइनीज सुनते ही ऐसा लगता है ये फ्राइड होने वाला है. टू थिंग्स अबाउट दिस सैलड. वन, इट्स एक्सट्रीमली हेल्दी एंड यमी, नथिंग इज फ्राइड. एंड सेकेंडली, इट हैज़ चिकन इन इट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चिकन, ये चिकन ब्रेस्ट पीसेस है. यू कैन टेक एनी कट दैट यू लाइक, बट आई वुड सजेस्ट द ब्रेस्ट बिकॉज इट्स रियली ईजी टू कुक. सो फर्स्ट यू आर गोना मैरिनेट इट. आई एम एडिंग सम सोया सॉस. नेक्स्ट आई एम एडिंग सेसमे ऑयल. अभी ऐसे सुन के ना डोंट गेट स्केयर्ड कि सेसमे ऑयल कहाँ से लाएंगे. बहुत ही ईजिली अवेलेबल है. फॉर पीपल हु लव चाइनीज ना, ये घर में होना ही चाहिए. पेपर फ्रेशली ग्राउंड है तो इवन बेटर. सॉल्ट. Now I'm going to be using my hands to marinate it. Now you might feel ki yaar hot hot. Hum desi log hai yaar, hum haath se khana khate hain, hum haath se banate hain. Agar aap naya naya khana banana seekh rahe ho, it's very important to feel your food. All your senses are here. This we will keep on the side so that it can marinate. At least give it 10 to 15 minutes. Half an hour is like the ideal time. नहीं तो 10 to 15 minutes में भी अगर आप कहीं भाग रहे हो जल्दी करना है, this will do. Next up is vinaigrette. So first some garlic because those garlic chunks are amazing, huh? Some ginger, vinegar. This is rice wine vinegar. अगर आपको राइस वाइन विनेगर नहीं मिलता है, इवन योर यूजुअल विनेगर विल डू द ट्रिक. अगेन सम सेसमे ऑयल. नेक्स्ट सम सोय. चाइनीज तो सोय सॉस के बगैर मतलब बन ही नहीं सकता. जस्ट अ लिटिल बिट. एंड सम शुगर. चाइनीज में एंड एनी थिंग एशियन एक्चुअली, अ बैलेंस ऑफ फ्लेवर. थोड़ा सॉल्टी, थोड़ा शुगरी, अ हिट ऑफ स्पाइस, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. यूजिंग अ फोर्क इसको विस्क करना. नाउ वैसे तो आई डोंट लाइक टू बोर पीपल विद टेक्निक्स, बट इफ आई हैव टू गिव यू अ टिप, जितने भी लिक्विड्स है जो इस विनेगर के अंदर गए, उसकी विस्कोसिटी सब अलग अलग है. इसका मतलब जो ऑयल है वो विनेगर से डिफरेंट है, सोया सॉस इन दोनों से डिफरेंट है. So that's why it's important to really like whisk. I'll just show you how it all comes together. See? My most favorite part is here, which is grilling. Grill pan. Bahut important hai ki ekdam isko piping hot. Ekdam like hot. You have to make this hot. It should remind you of summers in North India. उतना गर्म हो जाना चाहिए. एंड द बेस्ट पार्ट इज व्हेन इट इज दैट हॉट, इवन हाफ अ टीस्पून ऑफ ऑयल वर्क्स. जस्ट टू शो यू गाइस, द पैन इज नाइस एंड हॉट. टेक द ब्रेस्ट और एकदम जेंटली. That is the sound we want. At this point, you can reduce the heat so that the chicken not only cooks from the outside but wo andar tak bhi heat jaane chahiye. I'm going to now flip this. Look at this. Juicy, yummy. Now if I show you the other side, I've really charred it. Like look at this. It's nice and charred. जब आप इसमें bite करोगे ना, एक crunchiness आएगा. That's what you want.
जो चिकन है उसको भी हमने साइड पे रख दिया है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द चिकन इज वेल रेस्टेड. टिल देन वी आर गोइंग टू बी मेकिंग सम नूडल्स. अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल एंड इनटू द ऑयल सम गार्लिक. Some ginger, some carrots, some spring onions. I think मैं chef सिर्फ ये tossing करने के लिए बनी थी. इतना fancy लगता, मतलब आप घर पे हो, your friends have come, and then you want to be like this person who tosses. Next, some capsicum. Now the vegetables, na, never overcook them. Otherwise, no point, yeah. फिर तो सब्जी बना लेंगे. Salad की क्या ज़रूरत है? I'm going to be adding some noodles. Now noodles का क्या है? इसको आप boil करो. Boiling water में भी थोड़ा सा oil डालो and put a little bit of salt. Once you remove it from the water, rinse it under really cold water, okay? And फिर से थोड़ा सा oil डाल के ताकि वो ऐसे अलग-अलग strands रहे. कुछ भी चिपके ना. That's important. As you can see, क्योंकि इसमें ऑयल है एकदम से सब मशी होके चिपक नहीं रहे. Now into this all the flavorings, huh? So soy sauce, chili sauce, I like it spicy, so pepper, salt, a dash of vinegar. So all the components are ready. Noodle ready hai, vinegar ready hai, chicken ready hai. All we have to do now is cut it. So you can see that I am cutting it into really chunky pieces because when I'm going to put it in the salad, thoda sa I'm going to break and rest I'm going to let it be so that you get that mouthful, you know, ek pura bite aana chahiye. The corners, no, I just like to eat it. I have a bowl here. Into this lettuce. Now this is romaine lettuce. If you want to use your regular iceberg, आप वो भी कर सकते हो. If you're into kale and arugula, you can put that also. And some carrots. Now if you see the cut of these carrots are different from the one we put in the noodles. उसमें chunky है ताकि एक bite है. And here it's finer. This is red cabbage. Lot of nice pretty colors, spring onions. Time for the chicken. Now some pieces are gonna go as is, but I'm gonna just break some others. Done. Now into this, the noodles. That's it. And now the star, the vinaigrette. Again, give it a good mix. And on it goes. Now dressings, vinaigrettes, these are really personal choices. In the sense, बहुत लोगों को excessive dressing पसंद होता है and कुछ लोगों को थोड़ा minute. And जैसे जैसे वो खाते जाते हैं ना, they keep adding. This is what I do, so I'm telling you that. So it's up to you. Add as much as you like. It should be flavorsome. This is your flavor part of the salad. Chinese salad with Asian dressing. This is my precious. I'm gonna be eating this. Please do make it. Click a picture. Put it in the comments below. I'm taking this. You guys don't forget to make it. Bye.